हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें मैंने आपको उसके यूज़ पढ़ाया था। तो उसमें दो यूज़ या तीन यूज़ मैंने पढ़ाया था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक दो दिन क्लास हो नहीं पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, तो ये मैं आपको पढ़ा रहा था। और अगर इसकी बात करें तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला जो इसका यूज है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, ओके। पहला वो मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया था शायद परमानेंट एक्टिविटी और हैबिचुअल एक्शन, ये बता रहा था। तो उसमें एक दो एग्जांपल मैंने दिया था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और उसको डिटेल में समझते हैं। तो दूसरा जो हमारा है, चलिए, परमानेंट एक्टिविटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेगुलर एक्टिविटी, कह सकते हैं रेगुलर एक्टिविटी, ओके। हम थोड़ा सा पीछे से समझते हैं। और हाँ, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेचर कर सकते हैं, नेचर में स्वभाव। इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल लिया, और जैसे मैंने कहा वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आँखों से देखते हैं, ओके। अब इसकी हिंदी लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार हिंदी लिखे कि मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो आप सिंपल हो उसको कर सकते हैं। परमानेंट एक्टिविटी, देखिए हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो आँखों से ही देखते हैं, ये हमारा नेचर भी हो सकता है, स्वभाव। परमानेंट एक्टिविटी भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम आज आँख से देख रहे हैं, कल हम पैर से देखेंगे, परसों नाक से देखेंगे, ऐसा तो नहीं। परमानेंट एक्टिविटी स्थायी है, हम रेगुलर आँख से ही देखेंगे, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैंने कहा, चलिए, रोज स्मेल्स, यहाँ पर यस है, ध्यान दीजिए, यस, रोज स्मेल्स स्वीट, ओके। यानी कि जो गुलाब है वो महकता है, उसकी खुशबू अच्छी है, मीठा महकता है एक प्रकार से, तो उसका नेचर है, गुलाब का नेचर वो महकेगा, तो यहाँ पर क्या है, नेचर, ओके। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, चलिए थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ही लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहता है, तो परमानेंट एक्टिविटी है, हमेशा ही रहता है। अब अपवाद स्वरूप कहीं एक दो वीक के लिए विदेश चला गया, एक महीने के लिए विदेश चला गया, लेकिन रहता है स्थायी रूप से इंडिया में, उसका निवास स्थान इंडिया में है, तो यहाँ पर क्या है, परमानेंट एक्टिविटी। एक और एग्जांपल उसके बाद हम लोग, जैसे हमने कहा, रमेश गोज टू स्कूल डेली, रमेश गोज टू स्कूल डेली, रमेश डेली स्कूल जाता है, तो ये क्या है, रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर मीन्स नियमित, ओके। तो ये दूसरा यूज़ था, परमानेंट एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी, या फिर नेचर, ओके। तो पहला यूज़ हमने पढ़ाया था यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रिंसिपल है, दूसरा परमानेंट एक्टिविटी या फिर रेगुलर एक्टिविटी या फिर नेचर हो गया। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट जो यूज़ है, तीसरा यूज़। तीसरा यूज़ मैंने बताया था हैबिचुअल एक्शन, हैबिट के लिए,
एक्शन, ओके, कोई हैबिचुअल एक्शंस है, कोई उसकी आदत पड़ी है वो काम करने की, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल की बात करें अगर, तो जैसे हमने कहा ही, हाँ चलिए, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है, तो हमेशा समय पर आता है, ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, तो हमेशा समय पर आता है, उसकी आदत है। फिर दूसरी चीज हमने कहा सी नेवर कम्स ऑन टाइम, वो कभी समय पर नहीं आती है, तो यहाँ भी हैबिचुअल एक्शन है। देखिए यहाँ तो था ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है, उसकी आदत है। सी नेवर कम्स ऑन टाइम, यहाँ भी आदत है, कभी समय पर आती ही नहीं है, ओके। और अगर हम बात करें तीसरे एग्जांपल की, तो देखिए मैं हिंदी नहीं लिखा रहा हूँ, बिकॉज हिंदी आप जानते हैं, अभी हिंदी जब मैं लिखाऊंगा, जब आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखें, वो बाद में पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरे एग्जांपल की, जैसे हमने कहा, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा हाँ ही नोज इंग्लिश, आई लाइक फिश वेरी मच। इसको मैं समझा देता हूँ अभी, ही नोज इंग्लिश, वो इंग्लिश जानता है, तो इंग्लिश जानता है, बार बार पढ़ता है, उसकी आदत है पढ़ने की, तभी तो जानता है। एक बार पढ़ कर के कोई इंग्लिश जान तो जाएगा नहीं, आदत बनानी पड़ेगी आपको, बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आप इंग्लिश जान पाएंगे, हैबिचुअल एक्शन। लाइक आई लाइक फिश वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ फिश को खाना, तो यहाँ भी हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है, आदत है, हम पसंद करते हैं खाना, ओके। तो ये इसका तीसरा यूज था। उसके बाद हम इसके आगे के यूज़ की बात करते हैं, तो इसका जो आगे का यूज़ है, चौथा यूज़ हम कह सकते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कोई फर्म डिसीज़न है, भविष्य में होने वाला काम है, भविष्य में जैसे कोई फ्यूचर में कोई काम होना है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई फर्म डिसीज़न है, फर्म डिसीज़न इन फ्यूचर, ओके, यहाँ पर लिख देते हैं इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल है He leaves for home tomorrow. Okay. अब देखिए tomorrow यानी ये शो करता है कि यह काम फ्यूचर में होगा, क्योंकि tomorrow फ्यूचर के लिए आता है। He leaves for home, वो घर के लिए छूटेगा यानी घर रवाना होगा, कब, कल यानी टुमारो। तो देखिए अगर हम इसको हिंदी में देखें तो वो घर रवाना होगा, बट हमने लिखा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। और जैसे एक एग्जांपल फ्रॉम डिसीजन के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि द प्लेन यानी कि जो एरोप्लेन है टेक्स ऑफ
यानी कि उड़ेगी, टेक ऑफ करेगी, एट 7 o'clock, 7 o'clock पर प्लेन उड़ जाएगी। तो यहां भी देखिए ये फर्म डिसीजन है, निश्चित है, निश्चित है, इसलिए हमने यूज किया। और तीसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि द पीएम लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो। ओके, कल पीएम अमेरिका जाएंगे, तो ये फर्म डिसीजन है, निर्णय है कि कल जाएंगे ही। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, वो आगे हम जब पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो उसमें बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है उसको भी बताएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका जो चौथा यूज़ है वो है फर्म डिसीजन। हम लोग आज इसको समाप्त कर देंगे और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का शुरुआत कर देंगे। अब चलिए देखते हैं इसका पांचवा यूज। कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ओके, पांचवा यूज क्या है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई ऐतिहासिक घटना है उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फिल्म देखने गए, तो जब आप फिल्म देखकर आते हैं तो आपने फिल्म देखा वो तो पास्ट होगा क्योंकि काम समाप्त होगा फिल्म देखने का, लेकिन जब आप अपने दोस्त को बताते हैं फिल्म के बारे में तो कैसे बताते हैं, क्या इस तरह बताते हैं कि वो वहाँ पर गया, उसने उसको पकड़ा फिर मारा, ऐसा नहीं बताते। आप किस तरह बताते हैं, हीरो वहाँ पर जाता है, गुंडे को पकड़ता है, उससे क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है और फिर मारने लगता है। तो देखिए, जाता है, पकड़ता है, पूछता है, मारने लगता है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप जब कहानी सुनाते हैं कोई चीज़ हिस्टोरिकल इवेंट्स का, तो वहाँ पर आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ओके। या फिर मान लीजिए कोई, जैसे कोई आप राजा महाराजा की कहानी सुनाते हैं तो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, चलिए राम, या फिर जिसको हम रामा बोलते हैं, ये राम है लेकिन हम ए लगा देते हैं, रामा किल्स रावणा। तो देखिए यहां पर वास्तव में अगर देखें तो राम ने रावण को मारा, लेकिन हम लिखते किसमें हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना, रामा किल्स रावणा, इस तरह लिखते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं, जैसे अकबर आस्क अ क्वेश्चन टू बीरबल, ओके, अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, लेकिन वास्तव में हमने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया बिकॉज ये हिस्टोरिकल घटना है, इसमें तो है नहीं अकबर बीरबल, ओके। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। या फिर अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे हम कह सकते हैं कि, जैसे हमने कहा और इसके एग्जांपल, जैसे हाँ, जैसे इंडिया बीट्स, देखिए इंडिया को हम कभी कभी प्लूरल में यूज कर देते हैं, कभी कभी सिंगुलर में, वो मैं आपको बताऊंगा जब सिंगुलर प्लूरल आपको ढंग से पढ़ाऊंगा, नाउन पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। तो इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन 1971, तो ये हिस्टोरिकल घटना है कि इंडिया ने पाकिस्तान को 1971 में हराया, लेकिन हम लिखेंगे किसमें, बीट्स,
हालांकि इंडिया को कहीं प्लूरल, अगर प्लूरल इसको मानोगे तो बीट हो जाएगा, मैं बताऊंगा उसको, बट यहाँ पर आप जान लीजिए। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके लास्ट यूज़ की, या फिर हम कहें छठे यूज़ की, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो जो इसका छठा है वो फिर इसका है कंडीशनल क्लॉज के लिए, फिर कंडीशनल सेंटेंस में। ओके, कंडीशनल सेंटेंस में इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस देखिए, मान लीजिए कोई कंडीशनल सेंटेंस है, ये कोई कंडीशनल सेंटेंस है, मान लीजिए, पहले मैं हिंदी लिख देता हूँ, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये हमने लिख दिया। आप देखिए, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो देखिए कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें दो क्लॉज होता है। क्लॉज क्लॉज क्या होता है, इसको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। एक क्लॉज ये हो गया, देखिए क्लॉज में क्या होता है कि एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, पास हो जाओगे, ये दूसरा क्लॉज। तो शर्त इसमें किस में है, किस वाले क्लॉज में, इस वाले क्लॉज में शर्त है ना, अगर अगर तुम पढ़ोगे, तो शर्त तो यहां है, तो ये हो जाएगा हमारा कंडीशनल। समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ इसको कैसे लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये हमारा कंडीशनल क्लॉज, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट क्लॉज, क्योंकि रिजल्ट यहाँ यहाँ आएगा, अगर आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये रिजल्ट है। ओके, तो जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है इसको हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखते हैं। ओके, और जो ये वाला होता क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज, इसको हम लिखते हैं फ्यूचर टेंस में। ओके, विल या शैल के साथ में इसको लिख देते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो हम इसको पहले लिखेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कहा, इफ यू रीड, अगर तुम पढ़ोगे, भले ही यहां गे गा कुछ भी लगा है, लेकिन हम विल सेल का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, तो को हमने कॉमा में बदल दिया। इफ यू रीड, अगर तुम पढ़ोगे, यू विल पास। ओके, तो तुम पास हो जाओगे, कितना आसान है। तो दूसरे वाले जो रिजल्ट क्लॉज है उसको हम फ्यूचर में लिखेंगे, बाकी जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस और लिया, अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, मैं ऐसे ऐसी क्लास लाऊंगा जो अभी तक आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, नई नई चीज़ें, ऐसा आपको किसी ने नहीं पढ़ाएगा। देखिए टेंस में अधिकतर क्या होता है, टीचर क्या पढ़ा देता है आपको, ता है, ती है, ते हैं, जिन वाक्यों के अंत में होते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, उसके कुछ वाक्य दे देंगे, उसके इंट्रोगेटिव निगेटिव दे देंगे, बस समाप्त। ये सब कौन बताता, ये सब बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तो इसको भी हम ऐसे कहेंगे, ये देखिए, तो ये कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा। कंडीशनल को हम कैसे लिखेंगे, इफ, अब देखिए, वह मेरे पास आएगा, इफ ही कम्स, कम्स क्यों, क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर।